पिछोर नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का भव्य शौर्य पथ संचलन निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि हिंदू समाज को जागृत और एकजुट रखने के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए आज पिछोर नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का शौर्य पथ संचलन निकाला गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही प्रांत सह मंत्री सुनील शर्मा, प्रांत सह संयोजक बजरंग दल मनोज रजक, प्रखंड संयोजक रामेंद्र तिवारी, नगर संयोजक सोनू शर्मा, सह संयोजक रामू दुबे व पिछोर जिले के समस्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पवन शर्मा द्वारा पिछोर जिले के उपस्थित समस्त साधु संत महात्माओं का स्वागत किया गया। शौर्य पथ संचलन के लिए सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता पिछोर छत्रसाल स्टेडियम में एकत्रित हो जय श्री राम के जयकारों के साथ पथ संचलन का शुभारंभ किया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। लोगों के द्वारा जगह जगह पथ संचलन वालों पर पुष्प वर्षा की गई व महिलाओं के द्वारा जगह जगह रंगोलियां सजाई गई। और समाचार के लिए पिछोर से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। वहाँ की चिंता आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। बाकी अयोध्या जी को झांकी इसलिए है कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा था बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का कहा था, नहीं कहा था वो सिर्फ हुआ कि नहीं हुआ, राम जी की कृपा से और वीरों के बलिदान से ये हुआ। तो आज हमको ये कहना चाहिए बच्चा बच्चा राज का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बच्चा बच्चा राष्ट्र का और मातृभूमि के राज का ये ध्यान होना चाहिए। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि जिस प्रकार हमने सोचा था रामलला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे का मंदिर बनेगा, बन रहा धूमधाम से नहीं बन रहा, कोई कसर